हमारे वीरण सिंह जी बापू नो खास आदेश है। परम आदरणीय और वंदनीय दिवाली बेन भेल मित्रों जेने 21 देशों की माइली पर प्रोग्राम करेलो અને હાડવો કોઈ દાડો નેચે નહીં પડેલો, તમે તમે એટલા પ્રોગ્રામ જોજો, હાડવો તો માથા ઉપર જ ભરવાય, જેને ગુજરાતની સૌરાષ્ટ્રની કોયલ કહેવાય છે। એવો અવાજ આજ સુધી તમને કાંઈ જોવા નહીં મળે, એવા સંત માતા દિવાળીબેન ભીલના અવાજને તમારી સામે રજૂ કરું। પણ વરસતા રહેજો, મારે જેમ બાપુએ કીધું એમ, વિરમસિંહભાઈ બાપુએ કીધું, સ્વર્ગસ્થ દિવાળીબેન ભીલ। हाँ, एक बगड़ा में फूलो बाप, एक बिल में दीकरी। आ हमें तो एने हूँ तो एम ज कहते कि एक सबरी भाई नो अवतार है। बनाओ बनाओ। हाँ दिवाड़ी बेन भीला महेश भाई जो कुछ से कितना बताया ने ताली थी बताया। मारी बेनो दीकरीओ कवि और कुंवासी एक ज જેટલું પુણ થાય અને હું જે બોલીશ ને ધર્મના માટે જ બોલીશ। છૂટા લઈને આવજો, ઈથી છૂટા ના લેતા। સાચી વાત। त्यारे आ तो खाली एक टैलेंट है तुमने ई नई आवाज में बिला अमदावाद जादवनगर ब्लॉक नंबर 67 एमने बोलावी मारे बहनों ने मजा आवे जबरदस्त भाई हेलो परिवार ने कलर बदल नाखो गीत आए तो केवू आए वजन वालू आ भारती बेन को चला महाकाली मात की जय। तारी हवे परम आदरणीय अने वंदनीय अमारो मुझे ने सिद्धार्थ जेवो मानो छो मित्रों। मने वच्चे मारा विनमसिंह जी मने दिशाथी स्पेशल फोन कर्यो, मने के उमेश भाई कवि के हूँ शू क्या छे बापू घरे छू, मने के दाडानो प्रोग्राम छे। मैं कीधुं क्या बापू छे, मैंने के प्रोग्राम से सिद्धपुर हो ऊंचा हो रेच घोड़ा प्रोग्राम से बोलो माणा प्रोग्राम तो हम करे पर घोड़ा प्रोग्राम हो घोड़ा ने घी देता कामन कर गरीय नहीं वाटाड़ी देता कोक दिन आड़ा आवसे अने ए घोड़ा माथे तेनी कवि के जुआन तड़न पकड़ता 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 धमा 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 तो बोलवा हले होतो है एवा घोड़ा नी रेच नो प्रोग्राम जेदी मारो वीरम सिंह जी राख्यो तो 19,000 रुपया खाली घोड़ा माथे बक्षीस आई थी। मारो वालों के मारे काई ना जो मन के कबीरा तुम झोलो भरी लो जो जाई जाओ तमारो से तमारो कमाई से का आवो वीरम सिंह बहादुर से बापे ने जोरदार ताड़ी नगर करती बताओ। अरे हूँ रजू करू छू वीरम सिंह जी बापू ने के एमनो मौज आवे ये हूँ अपनी सामे रजूआत करूँ। पर मित्रों एक दरबार पे छत्रियो है पासो सारो एवो लोक साहित्यकार मारो वालो छे अने बे भाईओनी एवी राम लक्ष्मणनी जोड़ी छे मित्रों महेश भाईनी बेनी खरेखर मो ज्यारथी जोऊं तार आ बेनो एक ज भली होय न तोय अरे एमनी तारीफ करता होय अने विरमसिंह न होय तार महेश भाई विरमसिंहनी तारीफ करता होय। आ मित्रता कोक पाहण जोवा मळे हता भाई पाहण नहीं करी सकता। मित्रों एवा विरमसिंह जी डाबीने मु विनंती करूं के संग्राम सिंह जी बापूनो नाम लई आसन ग्रहण करे अने एमनी मौज आए एवं लोक साहित्य लईने अपनी समक्ष आए। पछी हूँ तमारा सोलंकीओनी वंशावळीनी बात करूँ। सोलंकी शुं हस्ती कहेवाय अने सोलंकी क्यांथी आव्यो कया गाममां लग्न थया कया कया जे स्टामोनी अंदर एमने घेरो घाल्यो ये बड़ी बात करो ये पहला वीरम से ये विनंती करो पर तमाम ने मारी विनंती जितना हाँ बड़ो जटला तमाम मायक में आवाज जाए त्याग सुधी कहूँ चुं मरा बाप मुझे कवि नो दिकरो चुं अने तमें बता मारी हमें चतुरी वीरो बैठेला चो कोई पटेल से कोई तमाम तमाम वरण आज मारी हमें से तमाम ने उम्मीद कवि तरीके विनंती से मारी मारी कसम से तमने कि वीरम सिंह जी ने मुँह तुम्हारी हमें रजू कर सुपन डावो ने जमुनो हाथ भीरू करें ताली न बगाड़े यान उम्मीद कभी नहीं शौकन से वीरम सिंह जी क्या भी बोलिए सदगुरु देव की जय। बोलिए श्री महाकाली मात की जय। बोलिए श्री सधी मात की जय। बहुचर मात की जय। जय तो बोलो लाडू काल खावाना छे मारा बाप जय बोलो जगत में तमारी जय बोलाई जैसे हैं जेवी आज मानी जय बोलाई जैसे ने भी जगत में तमारी जय बोलाई जैसे बाप जय बोलो बोलो संग्राम सिंह महाराज की ब्रह्माणी मात की उमिया मात की भोगा महाराज की ये हरि हो हरि हरि गुरु गणपति ने माशा तो पूरे हृदय दजा देखी माँ काल का भरे ए दजा देखी माँ सधी माँ भरे जेना देवड़िया देखी दुख जा दर्शन करता ए महाकाली मातना माटे सर्वे दुखड़ा मटीला भगती केहूं भावनी भूखी जुग जुगनी जोती दीवा ए भगती अरे भाई जुग जुगनी ज्योति दीवार जोत रे जोता मड़ी गया मने महासागर ना मोती बोलो काले का मात की जय। जुओ भजन गवातु होय त्या हुंदी कोई आपणे नानी मोटी वातो करीए वातो चीतो करीए ने चाले साहेब पण आ स्टेज माथे थी कोई सारी एवी जो वात थाय अने वातनो शब्द आपणाथी जो कदाच मार्यो जाय ने साहेब तो आपड़ी आखी बात मारी जाए। तमे जुओ अपना सम्मान कार्यक्रम बाकी से पण ये वच्चे अपने लई लईशु। पण तमे जुओ आ स्टेज माथे थी जे भजन गाया अने जे भजन गावाना छे साहेब हूँ रसोड़ा नी अंदर प्रसाद लेवा माटे गयो ने एटले ज महेश भाई फरमाइश चालू थई गई थी कि आज आपणो दरबारी समाज मळ्यो होय साहेब, क्षत्रिय समाज मळ्यो होय, सोलंकी परिवार मळ्यो होय, जासका जेवुं गाम मळ्युं होय बाप, तो आज एक हारी दरबार नी जो वात करी जाओ तो के वो एक प्रसंग लेजो आपणा क्षत्रिय दरबार नो। पण ये पहला बात करूं तो आ प्रसंग नी अंदर हमारा खास परम मित्र मारा नीलेश भाई पटेल स्टेज ऊपर स्थान ग्रहण करशे। मां उमिया नी उछामणीनो पण मारी महेश भाई पटेल नी अने ए पण अमे नीलेश भाई ना नेजा नित्य साहेब मानु आशीर्वाद अमने जे आमंत्रण मळ्युं तो मानु सूरीपुरा मां पण जेमने हाजरी आपी थी साहेब ऊंझा मां उमिया माताजी ने उछामणी थी माडीने जे अवसर पूरो कर्यो ने त्या सुधी अमारा नीलेश भाई अने आ जासका तो एमनु वतन छे, मारू मामानु घर छे, ए बधी एमने खबर छे अने नारायण काकाना आशाबेन पटेलना तो खास एटले हवे अवाज कर्या सिवाय मित्रों बेहजो छो भाई लालो पछी आपण पछी चालू भजन मां साहेब जेना जेना सरनामा वड़ी गया एवा भजन आ स्टेज माथे थी गावा बैठा छे, तमारो गावा नहीं बैठा। तमे विचार करो आ जे भजन गाया एनी पाछळ सरनामा वळ्या मीराबाई, पानबाई, गंगा सती, राम रामापीर, कबीर साहेब, भाण साहेब, निकम साहेब, अरे साहेब सवाराम भगत आपड़ा पीपड़ी धामनी अंदर प्रजापति समाज में थई गया के साक्षात रणुजाती रामापीर ने त्यो पीपड़ी आवू पड़ी तू साहेब। विचार करो एमने केवुं भजन कर्युं छे। दरेक समाजना साहेब उजड़ा इतिहासों पड्या छे। तमे जुओ एक एक साहेब तमे इतिहास वाँचो। शिल्पाबेन जोरदार ताळीओ वजाओ। साहेब ઝવેરચંદ મેઘાણી तो एटला सुधी कहता गया सिख साहेब जे दी सोना ने काट लागशे, गंगा जळमांथी दुर्गंध आवशे अने जे दी हावद खण खाशे ने साहेब ए दिवसे आ बधुं तमने नहीं गमे साहेब। पण आ वस्तु बनवानी नहीं। पण आ जे जे भजन गाईने ज्ञान आपणा वच्चेथी दीवू मामा एना साहेब सरनामा वडी गया। पण आ तो साहेब तमे विचार करो के 5000 कृष्ण भगवान में थई गया सतो आ स्टेज माथे थी नहीं पण गामे गाम तमे जुओ कृष्ण महिला मंडल केम के हमने तो 5000 वर्ष थई गया था। पण आजे याद करिए छे साहेब आपड़ा वच्चे थी हूँ भजन करीने ज्ञान एटले याद करिए छे। एटलू नहीं साहेब 850 वर्ष पहला आपणो नरसिंह मेहता थई गयो के एक वाणोतर थई अन कुंवरबाई नु साहेबे मामेरू भरीन गतो रह्यो। ए नरसिंह मेहता ने आज स्टेज माथे थी आपणे याद करीए छीए साहेब। 450 थी साहेब 500 वर्ष मीराबाई थई गया। तमे जुओ जेने झेरना गुटड़ा पीधा जेना अमृत थई गया था ए मीराबाई ना स्टेज माथे थी याद करी अन भजन मो एमना सरनामा वाळीने भजन गावा बैठा छे। पण साहेब आ बधोन तो पेढीओ नी पेढीओ जती रही। पण काल हवार नो दाखलो कोने भगवान मळ्या कोने भजन कर्यु साहेब एनी बात करूं। काल हवार नो दाखलो 80 वर्ष पहलानी बात करूं जारे आपणो देश आजाद नोतो थो ने ये पहलानी बात करूं ने तो साहेब आलनो आपणो दोगंदरा स्टेट अने दोगंदरा स्टेट नी अंदर साहेब आपणो अजीत सिंह दरबार राजकोट नी राजकुमार कॉलेज में महेश भाई कॉलेज करी अने अजीत सिंह दरबार बहार निकळ्या एटले साहेब ये दरबार ने राजगादी नो तिलक करवामां आव्युं हतुं। पण केवो दरबार के साहेब जूनागढ़ना नवाब थी माड़ी अने पावागढ़ना नवाबुदी जो रजवाड़ा भेड़ा थाय विचार करो आवो जानो मोबो जो राजा आवो हशे तो त्यानी प्रजा केवी हशे अने प्रजा मो कदाचनो नानो मोटो गुनो करी जाए तो ये गुनो करनारी प्रजाने पकड़नार पोलीस केवी हशे। एमोनु एक पोलीस पात्र के जेनु नाम साहेब देहड़ भगत। वातनी शुरुआत हवेथी थाय, वातमो प्राण हवे पुराय, तमे शांतिथी सांभळजो के जेनु नाम देहड़ भगत। देहड़ भगत नी नौकरी अजीत सिंह दरबार नी जेल में 3 रुपया पगार, 3 रुपया पगार में पोतानु गुजरान चलावता अने समय मळन तो साहेबा हरिभजन करता। साहेब होजना टाइमे देहड़ भगत घरे थी वाड़ू करी अने दरबार नी जेल उपर नौकरी जवा निकळ्या एटले रस्तामां एक भगत मळ्या अने भगत ने कीधुं के देहड़ जय गुरु महाराज। देहड़े कीधुं के जय गुरु महाराज। के देहड़ आजे तो क्या कुंभार वाला मो भजन से अनी वक्ते देहड़ ने कीधु के भजन तो से पण आज तमारू वायक नथी लेतो के केम के मारी नौकरी दरबार नी जेल उपर 3 रुपया मारो पगार, 3 रुपया पगार मो मारू गुजरान चलावू छू, मने समय मळशे, मने टाइम मळशे तो हूँ भजन मो आवीश, पण तमारू वायक लेतो नथी। साहेब देहड़ दरबार नी जेल ऊपर नौकरी पहुंचा, जेल नी चावियों हुकाई गई, कैदियों गणाई गया, बेकेटो गणाई गया। देहड़ पोतानी नौकरी ऊपर ज्वाइंट थई गया एटले देहड़ ने आरे बे पोलीस मित्रों नौकरी करता था न एने देहड़ ने कीधु के देहड़ क्या भजन से के शू अने वक्ते साहेब देहड़ बोल्या के भजन तो से पड़े वात नी खबर तमने क्यों थी पड़ी है? भजन तो से पड़े खबर तमने क्यों थी पड़ी? अने वक्ते बे पोलीस मित्रों आरे नौकरी करवा वाला बोल्या के देहड़ तने हक नहीं एटले हमने खबर पड़ी के क्यों भजन होए बाप, क्यों भजन होए। विचार करो के मां सधी मां काळकानो जो आवो डायरो चालू होय देहड़ ने मोडीने वात करी के भजन तो से पण नौकरी अपनी दरबार नी जेल में ना नौकरी छोड़ी भजन में केवी रीते जवाय। ई वखते साहेब ई जमानामां ये बे पुलिस मित्रों ने जवाबदारी लीधी के देहड़ लाओ तमारी नौकरी नी चाव्यो पण बे भजन गईन पासा आवजो। अमारा खोड़िया मो जो हुदी जो प्राण रहेशे न तो देहड़ तारी नौकरी ने में दाग नहीं लागवा दई। आवी साहेब जमाना मो जवाबदारी लीधी। विचार करो देहड़ ने कीधु के दोस्त आटली जवाबदारी के हा। साहेब रातना 11 वागे देहड़ रामसागर लई जेलनी पाछली दीवाल कूदी अने साहेब रातना 11 वागे देहड़ कुंभारवाड़ा मो भजन मो जई अने जो भजन नी जमावट करी अने भजन गादो गादो आंख मो थी दड़ 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 आहुड़ा नी धार साहेब रामसागर ऊपर थी जळी उड़वा मोड़ी। जेम नरसिंह मेहता करतार वगाड़ता वगाड़ता पोताना बापनु हराज भूल्या एम गुप्ताजी देहड़ जेल भूल्या। का जेल अने का देहड़। साहेब रातना 12, 12:30 1:30 टकोरे अजीत सिंह दरबार पोताना मेल ऊपर थी 21 घोड़ा साथे बागड़ता जेल ऊपर चेकिंग। मारी जेल ऊपर देहड़ हाजर शेख नथी साहेब एनु जेल ऊपर दरबार ने कर्यु चेकिंग। जेल ऊपर जई अजीत सिंह दरबार ने हाथ कर्यो के देहड़ अन साहेब जेल में थी आवाज आयो के जी सरकार। विचार करो है के खेरियत क्या आप जेवा राजा होय आप जेवी सरकार होय अमने हूं चिंता होय बाप। आ आवाज जेलमो थी आयो के देहड़ लावो तुम्हारी नौकरी नी चोपड़ी। देहड़ ने साहेब चोपड़ी आपी राते 12-1 वागे ना टाइमे साहेब देहड़ नी साइन करी दरबारे चोपड़ी पासी आपी ने कीधुं के लो देहड़ खेरियत क्या। पर 21 गोड़ा मो बे घोड़े सवार ने दरबार ना कान बंबेड़ा था के दरबार देहड़ तो जेले हाजर नहीं, देहड़ तो कुंभार वाला मो भजन मो से। साहेब बे घोड़े सवार जई अन कुंभार वाला मो चेकिंग करू तो देहड़ कुंभार वाला मो भजन गाय। साहेब बे चेकिंग करीन घोड़े सवार पाछा परत फर्या अन दरबार ने कीधुं के दरबार थोड़ा वड़ोटा आ बाजू आओ के हूं से के जुओ आ आवाज जेलमो थी आ आवाज कुंभार वाला मो थी देहड़नो आवे से। साहेब दरबार ने कीधु के वाड़ो घोड़ा पासा। साहेब घोड़ा पाछा वाड़ा ने फरी थी जेले पहुंचा। जेल ऊपर जईन फरी थी हाथ करू के देहड़ अन फरी थी साहेब जेलमो थी आवाज के जी सरकार हमणो तो तमे आवीन क्यान फरी थी केम आवू पड्यू। त्यारे देहड़ ने दरबारे कीधु के देहड़ बस खाली। पर 21 घोड़ा मो बे घोड़े सवार ने कान बंबेड़ा था ए घोड़ा पर थी नीचे उतरीन दरबार ना पगमो पड्या अन दरबार ना पगमो पड़ीन दरबार ने कीधु के दरबार तमे जेवा जेले पासा जाओ सो तो कुंभार वाड़ो क्या दूर से कुंभार वाड़ा मो जईने जोई आवो। अन साहेब ई वक्ते साहेब आपड़ा अजीत सिंह दरबार ने जे जवाब आप्यो तो ने ए आपड़ा जीवन मो उतारवा जेवो छे। ए वक्ते आपड़ा दरबार ने कीधुं तू के मारे तो मारा जेल ना चेकिंग थाय कोई ना भजन ना चेकिंग नो थाय बाप। मारे तो मारा जेल ना चेकिंग थाय हैं मारी जेल ऊपर दिहड़ आधार से मारे कोई बीजा ना पास्त्रो खोलवानी जरूर नथी। आपणे जे करता होय करे जईए कोई बीजा नी टीकाओ करवामां मजा नथी। जो साहेब कदाच रोड ऊपर भिखारी कागळ वेणतो होय निलेश भाई तो आपणने कागळ देखाय पण ए भिखारीन तो एमो जयवीर सिंह एनो रोटलो देखाय बाप। ए भिखारीन तो एमो एनो रोटलो देखाय। साहेब रातना 1 वागे दरबार पोताना मेल ऊपर जईने सुवानी तैयारी करी। हवारे परोड़िये 4 वागे देहड़ कुंभार वाड़ा मो भजन मो भवन भूलेला जेले पहुंचा। जेल ऊपर जे पुलिस मित्रों जवाबदारी सौंपवामां आवी थी ए पुलिस मित्रों कीधु के लाओ मारी नौकरी नी चावीओ। साहेब के पुलिस मित्रों बोल्या के देहड़ तमे गांडा तो नथी थई गया ने तो के केम के रातना तमे 1 वागे आव्या छो तमे दरबार ने मळ्या छो दरबारे 1-1.5 वागेना टाइमनी तमारी चोपड़ी मो साई करी छे अन हवे तमे अमारी जोड़े चावीओ मांगो छो। साहेब देहड़ ध्रुजी गयो के रातना 1 वागे हूं आव्यो नथी मारी नौकरी करवा हाटू आव्यो होय ने तो द्वारकाधीश वाड़ो आव्यो होय बीजो न होय बाप। हैं तमे एक थी मांडीन कदाच जो लाख गुना कर्या होय तमारो एक गुनो जातो नौकर एने न्यायाधीश कहेवाय। पण कदाच एक थी मोडी अने लाख गुना थई गया होय एना चरणों में जेम लाकड़ी पड़ी जाय एम नमी पड़ो तमारा लाखों गुना माफ करे एने द्वारकाधीश कहेवाय बाप। द्वारकाधीश कहेवाय। देहड़ ने मोडीन बात करी के रातना हूँ 1 वागे आव्यो छुं तो ऊभो तो क्या। त्यारे बे पुलिस मित्रोए कीधु के देहड़ तमे दरवाजानी अंदर उभा था अने दरबार दरवाजानी बहार उभा था। जो देहड़ उभा था एम कीधु ए पगलानी रज लई ए हगड़नी धूड़ लई अने देहड़ ने आखा शरीर ऊपर चोपड़ी अने पछी माथा चढ़ाई। एटले बे पुलिस मित्रों बोल्या के देहड़ तमे आ शुं करी रह्या छो। त्यारे देहड़ ने कीधु के राते हूँ नौकरी करवा आव्यो नथी मारी नौकरी करवा हाटू आव्यो छे ने ए द्वारकाधीश ना पगलानी रज मारा माथे चढ़ावी दो छु बाप। एना पगलानी रज मारा माथे चढ़ावी दो छु। साहेब त्यारे बे पुलिस मित्रोए गौरव लीधु के देहड़ भजन तो के तमे करू आज के हमें तरया तो क्या केम के हमारे कोकवार केवा थशे के 2 कलाक तो भगवान नी हारे नौकरी करी से बाप 2 कलाक तो भगवान नी हारे नौकरी करी से। देहड़ ने विचार्यू के हवे एक मारू मुठी पेट में भराय हवे आ नौकरी करवी नथी। जो मारा एक मुठी पेट हाटू द्वारकाधीश ने द्वारका थी धक्का थाय तो हूँ मारा नौकरी करवी नथी। साहेब हमारे परोडिये 4 वागे देहड़ ने डोट मुकी राजा ना महल ऊपर अन राजा ना पहरेदार ने जईन कीधु के जा तारा राजा ने केक नीचे देहड़ आयो से। साहेब राजा नो पहरेदार कट 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 पगाथिया सड़ी मेल मो जई अन राजा ने बात करी के राजा नीचे के देहड़ आयो अन देहड़ तमने बोलावे से। राजा के देहड़ ने राते 1 वागे तो हूँ मळ्यो छू। साहेब जे राजा मो खामी ना होय जेना मो कोई उणप ना होय एवो साहेब अजीत सिंह दरबार मेलना पगाथिया कट 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 नीचे उतरी अन देहड़ ने मळ्यो। देहड़ ने साहेब सरकारी नौकरी नो पट्टो गवर्नमेंट केडमो थी काढीन राजा ने अर्पण कर्यो के राजा लो नौकरी लेवा हाटू तो होव आवो पण के आज नौकरी हूँ पासी देवा हाटू आव्यो छुं। अने वखते साहेब दरबार ने कीधु के देहड़ तारी नौकरी मारी जेल ऊपर शेफ साहिब मारा कान भले गमे तेने भंभेड्या मैं तने काई कीधु नथी तो तारे नौकरी छोड़वानुं कारण के बस हवे मारे नौकरी नथी करवी के मारा मेले थी जेले आवू पड़ी हाटू तारा नौकरी नहीं करवी है आ मेले थी मारा जेले आवू पड़ी हाटू तारा नौकरी नहीं करवी के ना तमार तो मेले थी जेले आवू पड़ू पण एक मारा मुठी पेट हाटू द्वारका थी द्वारकाधीश ने धक्का थाय मने केम पोहाण थाय बाप मने केम पोहाण थाय। साहेब आजनी तारीख में धोगधरा स्टेट में जाओ तो वावनी बाजू में राम सागर लई देहड़ भगत बेही गया कोनी वाव तो के देहड़ भगत नी। आवी जो वातो पड़ेली हमें बाहर ना काढीन तो अंदर उलाड़ा मारती होय के तारम पड़ेली वातो बाहर काढ बाप तारम पड़ेली वातो बाहर काढ। पण आ जास्का जेवू गाम मळ्यु होय मां सधीमा नु धाम मळ्यु होय मां काळका नु धाम मळ्यु होय अने काळका माना अवसर मो प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव मो जे दाताओए दान आप्युं छे ने दाताओनी वात करूं तो दाता शब्द 2 जग्याए वपरायो छे। दाता शब्द 2 जग्या उपर साहेब वपरायो छे। एक दाता शब्द के जे आपणे दंताड़ी मो दाता आवी अने दाता कहीए दंताड़ी मो दाता आवी अने दाता कहीए। आ धरती ऊपर घणा वृक्षो उगे छे ने घणा कपाय छे साहेब पण एवुं साहेब ए दरेक वृक्षनी अंदरथी दरेक प्रकारनुं फर्निचर बने छे पण ए कयुं भाग्यशाळी लाकड़ुं हशे के जेनुं नाम साहेब दंताड़ना दाता पड्युं छे बाप दंताड़ना दाता पड्युं छे। विचारो रुपिया तो बधाना जोड़े से पर आज महेश भाई मन कहवा दो के कोनी जनेता एवं पुण्य कर्यु छे के साहेब जेना दीकरा दातारीमो नाम लखावी सके बाप दातारीमो नाम लखावी सके। विचार तो करो साहेब आ मां सधी मां काळका जेवू देव जे काळका माता जेने पतई राजा ने पलमो है सदी कड़ानी सदी क्यों गंगवा कुआनी सदी क्यों तमे विचारो कि जेने राधुजी माधुजी जेवा बारवटिया गंगवो कुवो गवराई पनी नो मोमेरो भर्यो तेवी साक्षात सदी नो आज आपणो अवसर आव्यो होय अन आवती काले साहेब 12 ने 39 मां मठमो बेही जशे। आवती काले 12 ने 39 मां मठमो बेही जाय अने जे बुडेवो हवन होम यज्ञ करी श्लोक बोले छे ने ए मूर्ति नी अंदर साहेब साक्षात प्राण पुराता होय छे। ए मूर्ति नी अंदर साक्षात प्राण पुराता होय छे। अरे 12 ने 39 जरे बेहणा थाय ने तो एनी हामो आयनो मुकवामो आवे अन साहेब ए आयना ना टुकड़ा थई जाय अन कदाच जो तमारा मन मारा में अभिमान होय ने अने टाइमे जो तमे उभा रही जाओ ने तो तमारा ए राखना टुकड़ा करीने फेंकी दे ने एटलो साहेब एनी अंदर प्राण पुराई जाय। आ जेवी तेवी देवनी वातो साहेब नहीं जेवी तेवी साहेब आ देवनी वातो नहीं। देवनो कोई दाड़ो चाड़ो न थाय अने जेने जेने देवनो चाड़ो कर्यो कडी तालुकानु देहुणा गाम अने देहुणा गामनी अंदर जीवण बार ना थयो साहेब एज कड़ीना बाजूना भावपुरानो मोतियो नायक जारे देहुणामो रंबा उतर्यो एनो नाटक लई अने मोतियो नायक रंबा उतर्यो अने साहेब नेहड़ामो जीवण बारनी विहत मेलडीनी रमेण हती। साहेब आ जुओ एने देवनो चाड़ो कर्यो तेनी वातो करू तमने के जेने देवनो चाड़ो कर्यो तो अने साहेब गाममो जारे रंबा उतर्यो એટલે ગામવાળોએ કીધું કે આજ તો મારા નેહણામાં જીવણ બારના રબારીની રમેણ સ વિહત મેલડીની મોતિયા આજ તારી જાતર જોવા કોઈ નહીં આવે। પણ સાહેબ મોતિયો કોંગરુ દેશની વિદ્યા ભણેલો હતો 32 લખણો હતો। એક વખત માતાને ઊભો રાખે એવો 32 લખણો મોતિયો નાયક એને વિચાર કર્યું કે શું મારી કોઈ આજ આ મારી જાતર નાટક જોવા નહીં આવે કે હા આજ તો અમારું આખું દેહુણા ગામ જીવણ બારના નેહડામાં હશે। સાહેબ મોતિયાને વિચાર કર્યો અને સાહેબ જો દેહુણા ગામમાં જીવણ બારની રમેણ ચાલુ થઈ વિહત મેલડીની અને આખું ગામ સાહેબ નેહડામાં પહોંચ્યું અને આ મોતિયાનું નાટક જોવા કોઈ આવ્યું નહીં એટલે મોતિયા વિચાર કર્યો કે આવો તો માની પરીક્ષા કરવી પડશે। હે માનો ચાળો તો કે કરવો પડશે। આ 32 લખણો હતો સાહેબ 12 1 ડોઢના ટકોરે જો જીવણ બારના કોઠો વિહત મેલડી રંબા ઉતરી અને આ મોતીય બૈરાનો કપડો પહેરી સ્ત્રીનું રૂપ ધારણ કરી અને જૈના સાહેબ રમેણમાં બેઠો અને કહેવાય છે કે સમયને ચોઘડીએ ए मां विहत मेलडी बोली और जो रंबा उतरी और आ मोतियो नायक जे बहिरानो कपड़ो पहेरीने बैठो तो ने उभो थईने एटलू बोल्यो के मां तू के देहुडानी विहत मेलडी के आ के जीवन बारनी देवी के आ के मां मां शेर माटीनी खोट से पूरी ना कर। अव पुरुषना पेट चोय दीकरा होय साहेब ए वखते समय ने चौघड़िया ये विहत मेलडी जीवन बारना कोठे साहेब बोली देती के मोतिया मोतिया मोती तने मोतली बनाऊ एक नहीं जो 9 महीना थता बे दीकरा ना आलू तो जगत मो मु देहुणा नी विहत मेलडी मटी जो बाप ए आ देव कर साहेब आ देव कर। पण हवे आपणे जेम जेम गाड़ावा जाइए जेम गाड़ो होय ने आपणे बेहूं पड़े। घऊनो गाड़ो आवे तार तो बाजरी वाळोने बेहूं पड़े अने बाजरीनो आवे तार तो पछी बंटी वाळोने बेहूं पड़े। एम अमारे ओमो गाड़ा आवे। हां अमे एक वखत आ बधो वाजिंत्र आ रीति बधु गोठवता ता ने मिलावता ता एटले मयथी एक काको उभा थया के ए शुं करो छो? कीधुं काका अमे मेड करीए छीए। की घेर करीने आवता होय तो? कीधुं काका घेर मेड होय तो अमे ओय एन शुं का मेड करो? पण हवे पाटीदार समाजनु घरेणु पाटीदार समाजनु रतन एवा साहेब शिल्पाबेन पटेल बहुत जूनी गायिका छे ने आगू जेनु नाम छे तो जेने फरीदा मीर सुधी जेने मुकाबलो करी चूकी छे तो एवा समस्त जास्का मोदी परिवार तरफथी 12,000 रुपया समस्त जास्का मोदी परिवार तरफ थी मळी आवे छे। जोरदार ताळीओ थी वधाओ। जोरदार ताळी थई जाय। जे जे दाता श्रीओए दान आप्युं छे एमने खूब खूब धन्यवाद। तो बेन श्री शिल्पाबेन ने माताजीए आपणने जमणो अने डाबो हाथ आप्यो छे।